이게다 안 먹어라. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा और एक ऐसी खबर आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक कॉफी के कप की वजह से एक लड़के को 7 साल की सजा हो गई है। इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक पोस्ट आपको दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे बहुत ही करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे भेजी है। और उनके परिवार में से एक 5 साल का लड़का लगभग 6 दिन पहले गुम हो गया है, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने इसको देखा है या कोई इसके बारे में जानता है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर फोन करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बारे में सूचना देगा उसको 50,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। इसके अलावा एक जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो कि कुवैत से आई है, और यहाँ पर एक कॉफी के कप की वजह से एक लड़के को 7 साल की सजा सुना दी गई है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस लड़के ने अपने टीचर का ATM कार्ड लिया और उससे एक कॉफी खरीदी, फिर वापस आते हुए इसने अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाया, जिसकी वजह से इसके टीचर ने कंप्लेन कर दी। तो यहाँ पर जो है कोर्ट में ट्रायल वगैरह चला, उसके बाद इस लड़के को 7 साल की सजा सुना दी गई। देखिए यहाँ पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो कि खबर में बताया गया है कि इसने जो तेल डलवाया और जो इसने कॉफी खरीदी वो सिर्फ 19 दिनार की थी, यानी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन कोर्ट का फैसला देखिए, यहाँ पर 7 साल की सजा सुना दी गई। तो आप और हम जो है अक्सर ये सुनते हैं कि फला कंट्री इतनी तरक्की कर ली है, फला कंट्री में जो है इतना जो है लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत जो है तरक्की कर ली है, वो कंट्री बहुत आगे जा रही है। तो देखिए इस सब के पीछे जो है वहां की अदालत, वहां का कानून और एक ईमानदारी होती है, जिसकी वजह से वो कंट्री जो है, वो देश जो है आगे जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे खबर में ये बताया गया है कि जब कोर्ट ने इस लड़के को 7 साल की सजा सुनाई तो टीचर भी चौंक गया, क्योंकि 19 दिनार जो है कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी, जिसकी वजह से इसके स्टूडेंट को 7 साल की सजा सुना दी गई थी। तो फिर इस स्टूडेंट का टीचर कोर्ट में गया और उसने कहा कि मैं इस लड़के को माफ कर रहा हूं और जो इसको सजा सुनाई गई है उसको खत्म कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर इस लड़के की सजा खत्म कर दी गई है, वो भी सिर्फ जो टीचर है उसकी रहम दिली की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि आज जो है सिर्फ 19 दिनार की जो है चोरी हुई है, क्योंकि उसने खर्च करे हैं, एक तरीके से चोरी ही मानी जाएगी, और हो सकता है कि बाद में 1900 की हो, 19,000 की हो या 19 लाख दिनार की भी हो सकती है। आप ऐसे कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इंडियन पासपोर्ट की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, और शायद ही आपने कभी ऐसी वीडियो देखी होगी कि एक बंदे ने पासपोर्ट का क्या हाल किया है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ഇന്ത്യ എംബസി പറഞ്ഞ് എടുക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്യാമള കല്ലമ്പലം രാജു പത്രം അമ്പലി ചേച്ചി। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक पासपोर्ट का अधिकारी है और ये पासपोर्ट यहाँ पर बनने के लिए आया था, रिन्यूअल होने के लिए आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका ये पासपोर्ट था उसने इसके ऊपर टेलीफोन नंबर, हिसाब किताब और भी जो जरूरी चीजें थी उसके लिए, उसने सारी चीज जो है पासपोर्ट पर लिख रखी है। और लोग जो है काफी मजाक भी जो है उड़ा रहे हैं इस चीज का, और कुछ लोग इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि पासपोर्ट ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखा जाता है। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी जानकारी आई है नकल कफाले के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के ट्विटर अकाउंट पर एक भाई ने सवाल किया है कि उनकी उम्र 67 साल है और उनका पेशा आमिल नजाफा का है, तो क्या उनका नकल कफाला हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये सवाल उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, 67 साल है। यहाँ पर देख सकते हैं कीवा प्लेटफॉर्म की तरफ से बताया गया है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप अपना नकल कफाला कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक और भाई ने सवाल किया है कि उन्होंने अपना नकल कफाला कराया है तो क्या अब उनको नया इकामा भी बनवाना होगा या जो पुराना इकामा था उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर आप जो है अपना कफील बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, यानी अगर आप जो है अपना नकल कफाला करा लेते हैं कहीं पर, तो फिर आपको नया इकामा भी प्रिंट कराना होगा। और इसके अलावा एक खबर जो लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर के काम करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि एक कफील अपने खदामा को एक टिकट देता है, एक सरप्राइज देता है, क्योंकि ये खदामा इसके यहाँ पर लगातार 7 साल से काम कर रही थी और अपने बच्चों से दूर थी। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं इसके रिएक्शन। अब इस खदामा को पता चला कि इसके कफील ने इसका टिकट करा दिया है घर जाने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके, अपने बच्चों को देख सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका रिएक्शन, किस तरह से वो खुशी से जो है रोने लगी है।
और ये फीलिंग जो है सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो लोग अपने घर परिवार से दूर हैं, चाहे वो सऊदी में है, दुबई में है, ओमान, कतर, बहरीन, दुनिया के किसी भी देश में है। ये जो घर जाने वाली खुशी है ना, ये अलग ही होती है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।